तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। तो एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए सिखाएंगे एक ऐसी बोर्ड को कैसे फिटिंग करें और उसकी वायरिंग कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे किसी भी अलग अलग सामान के लिए मार्केट से परचेज करें। मेरा ये बोर्ड है, 50 रुपये में फुल बन के तैयार हो जाएगा। गाइज, आप ही लोग अगर रुपये बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। गाइज, पहले आप लोग इसके लिए अच्छी तरह से फिटिंग कर लेना, नट फट लगा के, उसके बाद हम आप लोगों के लिए वायरिंग सिखाएंगे। गाइज, आज की आप लोग जो वीडियो देखने के बाद कभी भी ज़िंदगी में इस तरह का बोर्ड आसानी से रिपेयर कर देंगे और उसके लिए फुल वायरिंग कर देंगे, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। इसमें इस वीडियो को देख के आप लोग आसान तरीका से कर लेंगे। इस वीडियो में मैंने आप लोग के लिए बिल्कुल सबसे आसान तरीका सिखाया है। अगर गाइज आप लोग के लिए हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखना है, अगर जरा भी पसंद आए तो गाइज हमारी वीडियो को लाइक करें। तो गाइज आप लोग के लिए एक पेचकस से मदद से सारे जो स्क्रू हैं उन्हें ढीला कर लेना है। उसके बाद एक वाल लेके उन दोनों तरफ की चटकनी में फंसा देना है आप लोगों के लिए अच्छी तरह से, जिस प्रकार से वीडियो में सिखाया जा रहा है। गाइज आप लोग के लिए जिस प्रकार से मैं इस वीडियो में कलेक्शन कर रहा हूँ, आप भी लोग उसी प्रकार से अपना बोर्ड में कलेक्शन करना है। आपका बोर्ड बिल्कुल फुल रिपेयरिंग हो जाएगा। गाइज आप लोग जिस प्रकार से इस वीडियो में सिखाया जा रहा है उसी प्रकार से आप लोग अपने बोर्ड को रिपेयर करना। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये दोनों जो मेन लीड है, जो मेन तार है, जो हमें एसी करंट देना 220 वोल्ट, उसके लिए एक वायर के लिए हम जो क्लिप पे लगा देंगे और दूसरा वायर हम लोगों के लिए चटकनी पे लगा देना है। गाइज जिस प्रकार से वीडियो में दिखाया जा रहा है, अगर गाइज आप लोगों के लिए हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो गाइज हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। अगर गाइज आपका भी बोर्ड किसी और प्रकार का है तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।